स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हर्बल फार्मा। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हियर देयर आर टू वर्ड्स, कीम कीमो एंड टैक्सोनॉमिकल। कीमो मीन्स केमिकल, टैक्सोनॉमिकल मतलब उसका जो हमने पहले क्लासिफिकेशन में पढ़ा, दैट इज फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो दिस क्लासिफिकेशन शोज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इट्स टैक्सोनॉमिकल स्टेटस। एंड फर्दर हम इस चीज में क्या स्टडी करते हैं, एक टैक्सोन के अंदर जो सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हम उसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं थ्रू कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। हियर आर सम एग्जांपल्स, प्रोपेन एल्कलॉइड्स। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स क्या है, दैट इज स्कोपोलामाइन है, एट्रोपीन है, दैट इज एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं ये सारी, जिनके अंदर ये ट्रोपेन एल्कलॉइड्स होते हैं। ठीक है, जो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स जितने भी होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, सोलानेसी फैमिली से। इसी तरह जो वॉलेटाइल ऑयल्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, अम्बेलीफेरे फैमिली के से। ठीक है, तो ये किसकी मेन रीजन है कि ट्रोपेन एल्कलॉइड हमेशा सोलानेसी फैमिली में ही मिलेंगे और वॉलेटाइल ऑयल हमेशा अम्बेलीफेरे फैमिली के अंडर ही मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एडवांटेज क्या है, इस कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की क्या एडवांटेज है। सबसे पहले जो एक जीनस हमने बोला था, जीनस की जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है, उसमें जो सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उनको हम इस क्लासिफिकेशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज जीनस मतलब हमने बताया था कि जैसे पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि मेंथा क्या है, जीनस, पुदीना जिसको हम बोलते हैं, मेंथा क्या है, जीनस। उसकी आगे हमने स्पीशीज लिखी थी, मेंथा पाइपेटा एंड मेंथा स्पाइकेटा, वो उसकी दो डिफरेंट स्पीशीज होंगी एक तरह की, और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं बट हमने वहाँ मेंशन करी थी दो स्पीशीज। तो सेम जीनस हो गया, दैट इज मेंथा ही उनका दोनों का जीनस है बट उनकी स्पीशीज दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, और उनकी फैमिली दोनों की क्या थी, मेंथा स्पाइकेटा की, मेंथा पाइपेटा की, दोनों की फैमिली क्या थी, लैमिनेसी। ठीक है, मतलब सेम फैमिली है, सेम जीनस है। सेम फैमिली मतलब मेंथा पाइपेटा, मेंथा स्पाइकेटा की फैमिली लैमिनेसी है और उनका जीनस है मेंथा। ठीक है, बट उनकी स्पीशीज क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनके अंदर सिमिलरिटी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उनको हम इस कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर रखते हैं। के नेक्स्ट क्या है, इस क्लासिफिकेशन के थ्रू हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को भी स्टडी कर सकते हैं। दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्लांट के अंदर दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसके फंक्शंस के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हो गया। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, दैट इज जैसे कि अल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड, ये क्या है, कुछ थेरापेटिक वैल्यू है इनकी, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कोई थेरापेटिकली ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बॉडी, हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो इस तरह हम इस क्लासिफिकेशन के अंडर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे वर्ड है सीरो, सीरो मीन्स सीरम। तो सीरोलॉजी का मतलब क्या बन जाएगा, दैट इज द स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस। तो इस सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या स्टडी करते हैं, दैट इज सिमिलैरिटी एंड द डिससिमिलैरिटी बिटवीन द स्पीशीज, जीनस एंड फैमिली। जो स्पीशीज, जीनस और फैमिली के अंदर सिमिलैरिटीज हैं और डिससिमिलैरिटीज हैं उसको हम इस सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, जो सीरो टैक्सोनॉमिकल प्रोसेस है, कैसे की जाती है सीरो टैक्सोनॉमिकल स्टडी, सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, मान लो हमारे पास एक प्लांट है ए, उसको हमने नाम दे दिया प्लांट ए। हमने उस प्लांट ए के अंदर से जो एंटीजन्स, डेट इज उसकी प्रोटीन्स हैं, जो उसको प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस एंटीजन और प्रोटीन को हमने इंजेक्ट कर दिया इन टू द रैट और माइस। ठीक है, उसके रैट और माइस के ब्लड के अंदर जो एंटीजन हमने प्लांट ए से निकाली उसको हमने रैट और माइस के ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्यों इंजेक्ट किया हमने इसमें,
ताकि वहां पे वो एंटीजन्स हैं जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी बनेंगी, ठीक है। एंटीबॉडीज बन गई, उन एंटीबॉडीज जब बन गई तो हमने उस रैट और माइस का ब्लड सैंपल लिया और उसमें क्या बन गया, दैट इज ब्लड सैंपल मतलब सीरम विद एंटीबॉडी, तो उसको हम और क्या बोलते हैं, एंटी सीरम। इस एंटी सीरम को हमने इन विट्रो रिएक्शन करवाई विद द अनदर प्लांट, फॉर एग्जाम्पल वो हमने प्लांट मान लो बी है वो, ठीक है। हमने जो इस प्लांट एक में से जो एंटीबॉडीज बनी है उसकी इन विट्रो रिएक्शन करवा दी, इन विट्रो मतलब आर्टिफिशली, ठीक है। इन विवो मतलब हम बॉडी के अंदर कर रहे हैं कोई भी चीज, इन विट्रो मतलब बाहर आर्टिफिशली हम की वो रिएक्शन की जा रही है। तो हमने इन विट्रो रिएक्शन करवा दी इसकी विद द किसके साथ करवाई, जो प्लांट, इसी तरह हमने सेम प्रोसीजर प्लांट बी से में से भी कोई एंटीजन हमने बाहर निकाल दी थी पहले, ठीक है। तो हमने जो एंटीबॉडी प्लांट ए की बनी उसको प्लांट बी के एंटीजन के साथ फिर से रिएक्ट करवा दिया, इससे क्या होएगा, कॉगुलेशन होएगी। कैसे होएगी, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन शोज द डिग्री ऑफ होमोलॉजी, डेट इज कॉगुलेशन होएगी। जो डिग्री ऑफ कॉगुलेशन से हमें क्या पता चलेगा कि वो इस प्लांट ए और प्लांट बी सिमिलर है या डिसिमिलर है, मतलब अगर डिग्री ऑफ कॉगुलेशन ज़्यादा होगी तो वो प्लांट सिमिलर होंगे, अगर डिग्री ऑफ कॉगुलेशन कम होगी तो उनके बीच में सिमिलैरिटी कम है, ठीक है। तो वो जो डिग्री ऑफ कॉगुलेशन है हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, दैट इज एलिजा एंड रेडियो इम्यून एसे। एलिजा मीन्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और रेडियो इम्यून एसे में रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज करते हैं, इसके अंदर हम एंजाइम यूज करते हैं, मतलब इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी को हम लेबल कर देते हैं या तो एंजाइम के साथ या फिर रेडियो एक्टिव एक्टिव एलिमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, उसके बाद अगर वो कॉगुलेशन ज़्यादा शो करेगा तो इसका मतलब वो प्लांट सिमिलर है ए और बी, अगर कॉगुलेशन कम होगी तो प्लांट ए और बी डिसिमिलर है, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन के एडवांटेज क्या है कि हम जो डिफरेंट ऑर्डर्स हैं और फैमिलीज हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर सेम जीनस, डेट इज मान लो हमने बोला मैंथा, मैंथा है, मैंथा के अंदर से जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन के थ्रू हम सेम जीनस में से, डेट इज जीनस क्या है मेन, मैंथा, मैंथा की दो स्पीशीज, मैंथा स्पाइकेटा, मैंथा पाइप्रेटा, तो जो मैंथा पाइप्रेटा और मैंथा स्पाइकेटा है वो उनको सेपरेट कर सकते हैं हम इस टेक्निक के थ्रू, डेट इज द सीरो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हमने, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में क्रूड ड्रग की डेफिनेशन पढ़ी। क्रूड ड्रग मीन्स एनी सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज विदाउट एनी प्रोसेसिंग एक्सेप्ट कलेक्शन एंड ड्राइंग, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में डिफरेंट मेथड्स पढ़े, उसके मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसमें हम पार्ट्स के थ्रू हम क्लासिफाई करते हैं ड्रग को। देन हमने केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें हम जो ड्रग्स के अंदर सिमिलर केमिकल्स हैं उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन हमने फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या है कि जो डिफरेंट ड्रग्स के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसके थ्रू हम ड्रग को क्लासिफाई करते हैं। और एक हमने पढ़ी स्टार्टिंग में अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हम ड्रग को अल्फाबेटिकली क्लासिफाई कर देते हैं, दैट इज ए टू जेड। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरे को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और नेक्स्ट हम नई वीडियो के लिए आपको जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।